हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और रसीले सूजी का दानेदार हलवा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, जैसे कभी पूजा के प्रसाद में मिलता है उस तरीके से। आज हम बनाएंगे घर पे एकदम आसानी से और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, तो देर किस बात की है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप बारीक वाली सूजी, इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। अब हम उसी कप से ले लेंगे आधा कप दूध, जितना हमने सूजी लिया है हमें उतना ही दूध लेना है। अब इसे भी हम सूजी में डाल देंगे। उसके बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ये देखिए, सूजी को मैंने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें मिक्स करने के बाद हम ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए दूध के साथ। तब तक हम सूजी के लिए चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक बर्तन। बर्तन में हम ले लेंगे आधा कप चीनी। जिस कप से हमने चीनी लिया है उसी कप से हम 4 कप पानी ले लेंगे। हमें दूसरा कोई कप नहीं इस्तेमाल करना है। आप या तो कप रख लीजिए मेज़रमेंट के लिए या फिर कोई कटोरी, उसी हिसाब से हमें सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये देखिए, मैंने ये 4 कप पानी ले लिया है। अब हम गैस फ्लेम को हाई कर देंगे और इन्हें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये देखिए, चाशनी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब चाहें तो आप इसमें केसर भी मिला सकते हैं या फिर फूड कलर, पर मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, प्लेन चाशनी रखी है। अब हम सूजी की तरफ चलते हैं। देखिए, सूजी को अच्छे से भीगते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम उन्हें कर देंगे साइड। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम लेंगे आधा कप घी, जिसमें से मैं 1 चम्मच घी पहले ले लूँगी। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और बाकी घी को हम बचा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बादाम, जिसे मैंने 2 हिस्सों में कर रखा है, और इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब बादाम हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे कुछ काजू, जिसे मैंने 2 हिस्सों में कर रखा है, और थोड़े से बारीक कटे हुए नारियल। अब इन सबको चलाते हुए हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और जो बचा हुआ घी है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद जो गरम ऑयल है उसके साथ हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम लेंगे सूजी जो हमने भिगो करके रखी थी, अब इसे भी हम घी में डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमें गैस फ्लेम ऑन नहीं करना है, हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। ये देखिए, 2-3 मिनट में अच्छे से सूजी घी को ऑब्जर्व कर लेगी। बिना गैस चालू किए देखिए, सूजी ने अच्छे से घी को ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम गैस फ्लेम को कर देंगे ऑन और इन्हें हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि सूजी अच्छे से पक जाए। देखिए, इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक इनका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। मुझे सूजी को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट बाद सूजी का हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है। अब इसी स्टेज पे हम जो चाशनी बना करके रखे हैं उसे 1 बड़े चम्मच से इसमें डाल देंगे, जिससे कि सूजी का हलवा एकदम दानेदार बन कर के तैयार हो। चाशनी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सूजी और चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम बचे हुए बाकी के चाशनी को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं या फिर बिना फूड कलर के इसे बनाइए, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। चाशनी डालने के बाद इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स,
थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब इसमें मैंने 4 से 5 इलायची को कूट करके डाल दिया था, पर कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम तब तक चलाएंगे जब तक घी सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए लगभग मुझे 5 मिनट हो चुका है। अब हमारी सूजी भी एकदम अच्छे से पक गई है। ये देखिए, स्पैचुला पे बिल्कुल नहीं टिक रही है, यानी कि हमारी सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। इसे हम 1-2 मिनट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में। अब हम गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और जब सूजी का हलवा ठंडा हो जाए तभी से हम एक प्लेट में कर लेंगे सर्व। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसके बाद हम बचे हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेंगे। देखिए एकदम झटपट से बनने वाला दानेदार एकदम रसीला सूजी का हलवा। आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं, या फिर घर पे मेहमान आए उनके लिए भी बना सकते हैं, या फिर घर में छोटी मोटी पूजा हो तो उसमें प्रसाद के रूप में इसे बना करके सबको खिला सकती हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।